फरमाया है या अल्लाह, इनकी जो हुदा इनको अता हुआ है इसको मौला नजर बस महफूज फरमा। हमारी तारीख से वाकिफ है वो नाम चीफ मिनिस्टर KCR है। आज मोहम्मद इम्तियाज इसहाक साहब मेन माइनॉरिटी गुलाम साहब कभी कभी गड़बड़ होता अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला। रोशनी की सिमत आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं फिर एक मरतबा हज हाउस की सरजमीन से KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं बिहाफ ऑफ मुस्लिम्स ऑफ तेलंगाना और महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज जो है अखिलियतों की आवाज महमूद अली साहब हैं। अखिलियतों का बेबाक बेलौस निडर लीडर का नाम महमूद अली साहब हैं। महमूद अली साहब आज अखिलियतों इम्तियाज की हमारे चेयरमैन साहब की डाइस में हमारे मुनीर भाई और इफ्तिखार साहब और हमारे कार्यकर्ता जितने भी है हमारे मुखी साहब नियाजी साहब और हमारे भाई लोग जितने भी है साहब जो सबका मिलके है वो भी जो ना हार्ड वर्क करते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब कर रहे हैं। और आपको मैं ये बात बताऊं के दूर अंदेश कायद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली में मस्जिद पर खड़े होकर कहा था, ए मुसलमानों तुम अपनी औकाफी जायदादों का तहफ्फुज कर लो। होगी नौजवानों को कर्ज जात मिलेंगे और उनके बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है बजट मुहैया करेगा। आज उर्दू जबान की तरक्की हो रही है। 2 लाख से जायद जो है लड़कियों की शादी मुबारक स्कीम के तहत 7,000 करोड़ बजट अखिलियतों के लिए अभी तक दिया गया है और उससे हटकर 204 रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है चलाए जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 1 लाख तलबा और तालिबात जेर तालीम। आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन का ओहदे का मैंने आज जायजा लिया है। इस मौके पर मेरे इस चार्ज में जनाब अलहाज महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना और जनाब हमारे सीनियर एक्स मिनिस्टर जनाब पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट टीआरएस प्रेसिडेंट गोपीनाथ साहब दिल्ली से MLA साहब जनाब शादनगर के MLA साहब अंजय साहब और हमारे एक्स MLC एक्स चेयरमैन वर्कआउट जनाब अलहाज सलीम साहब और हमारे चेयरमैन शिव कुमार साहब चार लगाने में अली पाशा साहब आदमी साहब जो आए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मौजूद भाई मुनीर भाई तारिक अंसारी साहब मोहसिन खान साहब सभी यहाँ पे नाम नाम से मैं फरीद भाई सभी कह दी है। मैं आपको
इतना यकीन दिलाता हूँ कि छोड़ूंगा, बिल्कुल मैं दिल से काम करूंगा। और जो है केसीआर साहब के दिमाग सोच की तरह आप हर एक के बारे में सोचकर एक नए देश अदा करता हूँ। अभी सभी लोग मुझे मतलब बड़े लोग जो है हम लोग चैम्बर में जाएंगे, आप लोग सभी मिलकर नमाज पढ़ शुक्रिया, खुदा हाफिज़। केसीआर साहब है इसी तरह इमाम मोहसिन को एक हमारे पास कारी मोहम्मद अली साहब आते थे 14 साल फिरते रहे मूवमेंट के टाइम पे कि इमाम मोहसिन को हदिया दिया जाए। मैंने कहा ये गवर्नमेंट जो है यहीं पर अगर कई बार हमने धरना दिया कि ये गवर्नमेंट भैरी और गुंगी है, इमाम मोहसिन की बात नहीं सुन सकती, जब हमारी हुकूमत बनेगी जरूर दिया जाएगा। आज अल्लाह के फजल करम से 10,000 इमाम और मोहसिन हजरात को 5,000 रुपए हदिया दिया जा रहा है। ये हुकूमत ये सेकुलरिज्म है, यकीनन इस वक्त पर हमने 14 साल कई बार धरने दिए। और आज मैं कहता हूँ हमारे हिंदुस्तान में वाई सी एम साहब है CBCID इंक्वायरी कराने की बात की है, तो वक्त बोर्डों के साथ जो लोग धोखा करें डेफिनेट हमारी टीम तैयार हो चुकी है। हम साबिका 10 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 10 टीमें तैयार की है, आने वाले वक्त में तमाम इंक्वायरी कराई जाएगी। जो जो वक्त के कब्जेदार है, वक्त की जायदाद को लूटे हैं और बेचे हैं, उन पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। ये कहने वाले भी कोई लीडर है तो KCR साहब है, तो KCR साहब यही चाहते हैं वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत हो, वो हमारे काम में आएगी, डेफिनेट मुसलमान खुशहाल हो सकते हैं। मैं आप तमाम मेरे भाइयों का तो काफ़ी दूर दूर से आए हुए और इम्तियाज़ भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये पोस्ट जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बहुत जिम्मेदारी का पोस्ट है। मुझे उम्मीद है इम्तियाज़ साहब सिंसियर लीडर है और बहुत सीनियर लीडर है, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। अभी हमारे गोपीनाथ साहब भी बात करें, हमारे 119 MLA ज़रूर आपके पास आएंगे, आप उन्हें रेस्पेक्ट दीजिए, बिठाइए, उनकी क्या प्रॉब्लम है सुनिए और उनके कांसन सीखिए, लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। महबूद अली गारी अदे विधि महबूब नगर जिला अध्यक्ष लक्ष्मारे गारी अदे विधि शाद नगर एमएलए अंजय गारी वक्फ माजी चैरम करीम गारी मरी वेदिक अंदर इकड़े माइनॉरिटी सोदर अंदर हृदयपूर्ण नमस्कार हमारे इम्तियाज भाई वोट लेने का वास्ते हम लोग पूरे आए थे और CM साहब KCR साहब जो 8 साल से हैदराबाद सिटी में अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग 2014 इसको क्या बेनिफिट करें सब और CM साहब दे रहे और पीने का पानी का घर घर को पानी वो काम हुआ और रोड्स रहें दो और डेवलपमेंट रहें दो। सबसे ज़्यादा हैदराबाद सिटी में अच्छा पीस लैंड ऑर्डर हमारे महमूद अली साहब 3 साल से जबरदस्त लैंड ऑर्डर कंट्रोल करके अच्छा एक हैदराबाद सिटी को अच्छा पीस सिटी बनाए और इस वजह से हैदराबाद सिटी में आज CM KCR जो डेवलपमेंट को देख के आज देश से कोने कोने और दुनिया से भी लोग आके इधर फैक्ट्रीज लगा तरक्की हुआ और हैदराबाद ये 8 साल में इतना तरक्की हुआ तो लोग खुद परेशान है, अरे हैदराबाद क्या ऐसा हो गया। एक 10 साल पहले लोग सिंगापुर किधर तो भी जाके ऐसे वाले भी हैदराबाद देख के परेशान रहे कि फ्लाईओवर्स को देख के हैदराबाद डेवलपमेंट को देख के इतना अच्छा डेवलप हुआ और इतना अच्छा तरक्की कर रहे, इतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे CM साहब इतना अच्छा कर रहे, उस वजह से पब्लिक हमेशा TRS इंचार्ज भाई जैसा लोग को देखे और अच्छा डेवलप करना कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन को सब हमारे MLA पूरे 119 MLA साथ है, 119 MLA का कॉरपोरेशन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तबड़ा कॉरपोरेशन है, सबसे हमारे सब जनों को काम आ रहे थे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। इससे पहले भी हम लोग माइनॉरिटी फाइनेंस हर एक चीज़ गरीब लोग के लिए हर एक स्विंग मशीन से लेके हर एक लोन्स रहें दो कुछ भी रहें दो हर एक चीज़ हम लोग गरीब लोग के लिए कार्स रहें दो हर एक चीज़ हम लोग रिकमेंड करके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से दिलाए और आगे बढ़ना और हमारे इम्तियाज भाई बहुत अच्छा सिंसियर काम करके माइनॉरिटी कॉरपोरेशन को और आगे बढ़ाना बोल के हमारे तरफ से हम लोग आके इधर ये वोट के लिए आए सबको बड़े नंबर पूर्व को मोहब्बत शुक्रिया करें।